हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं 31 टॉपिक से। जो इससे पहले वाली जो वीडियो है, मैंने मैराथन फिजियो करके पार्ट वन में टॉपिक्स कराए हैं, 30 टॉपिक्स। तो उसमें मैंने एक जीके का क्वेश्चन कराया है, वीटो पावर। ठीक है, तो वीटो पावर क्या होती है, ये लूसेंट की बुक में एक छोटा सा टॉपिक है, आप ये ज़रूर रीड करके जाना, क्योंकि जीके के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं हर एक वीडियो में एक जीके का क्वेश्चन आपको बताऊंगी, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो 31 क्वेश्चन है आज, डबल क्रश सिंड्रोम। डबल क्रश सिंड्रोम क्या होता है, इस सिंड्रोम में जो डिस्क होती है वो करेक्ट होती है, बट पेन जो होता है, पेन प्रेजेंट होता है, और वो भी पेन कैसा रहता है, परमानेंट। ठीक है, इन ग्लूटियल रीजन। ठीक है, ग्लूटियल रीजन पे पेन परमानेंट रहता है, उसको बोलते हैं हम डबल क्रस्ट सिंड्रोम। 32 टॉपिक है पेंडुलम एक्सरसाइज। जो पेंडुलम जो एक्सरसाइज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोडमैन एक्सरसाइज। और जो कोडमैन एक्सरसाइज हैं वो किस डिजीज में करवाई जाती हैं, फ्रोजन शोल्डर में। किस में, फ्रोजन शोल्डर में, टाइप्स ऑफ फ्रोजन शोल्डर्स। ठीक है, एडहेसिव, कैप्सुलाइटिस, ये सारे तीनों के तीनों हैं, ये कर लेना आप। 2021 एम्स में ये क्वेश्चन आया था, कोडमैन एक्सरसाइज पे। अब की बार शायद ना आए, पर आप इसको नेक्स्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 33। 33 टॉपिक करना है आपको स्ट्रेचिंग। जो स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलती हो जाए उनको देख लेना। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग में आपको क्या करना है, आपको ना टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग करनी है। और टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग में एक तो बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग, एंड एक स्ट्रेचिंग है ताई ची। ये गूगल करके देख लेना, अगर बुक में मिल जाए तो ठीक है, वरना गूगल कर लेना इस स्ट्रेचिंग को। ये दोनों स्ट्रेचिंग आपको रीड करके जानी है। एम्स 2021 में ये क्वेश्चन आया था, और मुझे ये ताइची जो स्ट्रेचिंग है इसके बारे में नहीं था, बस ब्लास्टिक स्ट्रेचिंग के बारे में पता था। आप टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और हर एग्जाम में। ये जो ये इस जो स्ट्रेचिंग टॉपिक है, इस टॉपिक पे आपने किसी भी स्टेट या सेंटर एग्ज़ाम देंगे ना फिजियोथेरेपिस्ट का, हर एक एग्ज़ाम में आपको स्ट्रेचिंग पे टॉपिक्स क्वेश्चन मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। 34 क्वेश्चन टॉपिक है आरसीटी। आरसीटी का मीन्स है रोटेटर कफ टीयर मसल। चालू है रखना आर सी टी रोटेटर कफ टीयर मसल। तो इसमें आपको ऑप्शन में ए बी सी डी इस तरीके से मिलेगा, और उसमें एक जो मसल है वो आपको डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, तो एक ऑप्शन में आपको ये पूरी मसल मिलेगी, जैसे कि सुप्रा स्पाइनेटस, इन्फ्रा स्पाइनेटस, सब स्कैपुलरी एंड टीरीज माइनर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ ये भी टॉपिक आप जरूर करना। ठीक है, इसमें टॉपिक में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं। मैंने आपको एमएमटी के ग्रेड शायद पहले वाली वीडियो में करवा दिए हैं, पर कोई नहीं, अभी भी देख लीजिए। एमएमटी का आपको क्या कैसे ग्रेड करनी है, आपको ऐसे ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एंड फोर्थ ग्रेड।
इसमें लार्ज एम्पली स्मॉल एम्पलीट्यूड, ठीक है, रिदमिक ऑसिलेशन एट बिगनिंग ऑफ द एज, फिर विद इन द रेंज। सो आप ये ना पूरी डेफिनेशन करके जाना कि फर्स्ट ग्रेड में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है। अब चलते हैं 36 टॉपिक। 36 टॉपिक है। देखो इसमें ये टॉपिक है ना, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। हमारा ह्यूमरस है, ठीक है, और ये हमारा फीमर है। ह्यूमरस बोन है और फीमर। सो इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये बायोमैकेनिक्स का क्वेश्चन है। तो इसमें आप करना क्या करना है आपको, जो ह्यूमरस नेक है और फीमर नेक है, इसका एंगल करना है आपको कि इसका कितना एंगल होता है और फीमर का कितना एंगल होता है। ये जरूर देख लेना, एक बार आया था, ये नहीं पता कि कब ये क्वेश्चन में कौन पेपर के क्वेश्चन किस पेपर में आया था। अब करते हैं ह्यूमरल हेड। जो हमारा ह्यूमरल हेड होता है वो ह्यूमरल हेड की क्या शेप होती है, ये होता है रिट्रो वर्टिड, और एंगल होता है 32-40 डिग्री। अब चलते हैं 37 टॉपिक। नॉर्मल एंगल, देखो ऐसे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, नॉर्मल एंगल ऑफ नी ज्वाइंट। सो नॉर्मल नी ज्वाइंट का नॉर्मल एंगल होता है 5 डिग्री टू 7 डिग्री एंगल। जितने भी ये एंगल हैं, हमारे कॉब्स एंगल है और हिप एंगल है, सेक्रम है, जितने भी एंगल है बायोमैकेनिक्स में, आप ये सारे एंगल जरूर करके जाना, छोड़ के नहीं जाना है। 38 टॉपिक है टार्डी अल्नर पाल्सी। ये इंजरी कब होती है, जब हमारा जो एल्बो पे जो कैरी एंगल होता है ना वो इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज द कैरी एंगल, ठीक है। और कंडीशन कौन सी है, कोबाइटस वेलगस। और जो देखो इसमें तो नर्व का तो आपको पता ही लग गया होगा कि इसमें ये अल्नर लिखा हुआ है, तो अल्नर की इंजरी हो जाती है। थर्टी नाइन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अब की बार एम्स 2021 में तो नहीं आया था, पर 17 में आया था ये क्वेश्चन। एक्शन ऑफ द रिब्स, रिब्स रिब्स के एक्शन। एक तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, जो 7 रिब्स होती हैं वो ट्रू होती हैं, और 8, 9, 10 रिब्स फाल्स होती हैं, और जो 11, 12 है वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। इन जो ये हमारी जो रिब्स होती हैं, इनमें 3 एक्शंस होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन है पंप हैंडल एक्शन। इसमें कोई एग्जाम्पल दे भी आ सकता है, एग्जाम्पल दे देंगे और तब आपको बताना होगी कि कौन सा एक्शन है। पंप हैंडल एक्शन, बकेट हैंडल एक्शन एंड कैलिपर एक्शन। अच्छे से डायग्राम बना के बिल्कुल अच्छे से इसको रीड करना है। और इसमें क्वेश्चन ज़्यादा कैसे बनता है कि जो पंप हैंडल एक्शन है उसमें जो रिब्स का रिब केज है
वो वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, फॉरवर्ड होती है, बैकवर्ड होती है। तो आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ के तब जाना है। अपवर्ड होती है इसकी मूवमेंट, इस एंगल में अपवर्ड होती है या लो होती है, ये इस तरीके से पूरा करके जाना है। और इसमें क्या करना है कि पंप हैंडल एक्शन में जो हमारी चेस्ट होती है वो डिप्रेस हो जाती है या डाउनवर्ड डाउनवर्ड होती है, फॉरवर्ड होती है। किस टाइप की, जो टाइप ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं, टाइप ऑफ इंस्पिरेशन में भी कौन कौन सा एक्शन होता है, क्यूट होता है, डीप होता है, फोर्स होता है, यंग चाइल्ड जो होते हैं, यंग चाइल्ड में ब्रीदिंग, अब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है, ये तो शायद सबको पता ही होगा, अब्डोमिनल ब्रीदिंग। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी ब्रीद लेती है थोरेसिक, थोरेसिक इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन नहीं सॉरी, रेस्पिरेशन। ठीक है, सो ये हमें पता होना चाहिए। जो यंग चाइल्ड होता है वो, उसमें अब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है, प्रेग्नेंट लेडी थोरेसिक रेस्पिरेशन से सांस लेती है। अब करते हैं, देखो ये टॉपिक है ना, टोटल लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। सो हमेशा हर पेपर में टाइडल वॉल्यूम आता है की डेफिनेशन आती है, और ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन होता है। इनके साथ में आपको क्या करना है, फोर्स ना, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, रेजिड्यूअल वॉल्यूम। ठीक है, इनकी आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन करनी है। विदाउट डेफिनेशन करके मत जाना कभी, आप ये सोचो कि बस इसके लीटर लीटर याद कर लें और काम हो गया हमारा, नहीं, कभी भी लीटर नहीं आया, कभी कभार किसी पेपर में आ जाएगा, बट डेफिनेशन हमेशा आती है हर एक एग्जाम में। और कैपेसिटी में ऐसा करके जाना है, इंस्पिरेशन कैपेसिटी, फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी एंड वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन करना है और लीटर्स करने हैं। अब चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ओवॉइड जॉइंट्स। देखो मैं ना आपको ना, ये टॉपिक्स हैं ये आप अपने क्रॉस चेक कर लेना कि आपने किया है या नहीं किया है, इससे आपको काफ़ी टॉपिक्स सॉरी टॉपिक्स करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो मैं मिक्स टॉपिक इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मेरे नोट्स में मैंने मिक्स ही अपने टॉपिक्स बना रखे हैं। तो ओवॉइड जॉइंट एंड सेलर जॉइंट, ये जॉइंट की पोजीशन बताते हैं, मूवमेंट्स बताते हैं। इसमें क्या होता है, ओवॉइड जॉइंट्स में वन सरफेस होता है वो कन्वेक्स हो जाता है, अदर कनकेव हो जाता है। सेलर जॉइंट में इसमें जो मूवमेंट होगी वो डिफरेंट डायरेक्शन होगी, और इसमें सेम डायरेक्शन होगी, और वन सरफेस कनकेव होगा और अनदर कन्वेक्स होगा। ये आप अपनी बुक में देख लेना, ठीक है, अच्छे से करके जाना है। अब टॉपिक करते हैं 42, नो नरेन, ये मेरा बेटा है जो बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। सो 42 टॉपिक है वेंड एक्सरसाइज। पता नहीं वीडियो
क्यों साफ नहीं आ रही है? वेट एक मिनट। हाँ अब ठीक है। सो फॉर 52 टॉपिक है वेंट एक्सरसाइज। वेंट एक्सरसाइज, वेंट एक्सरसाइज आप सबको पता ही होगा, टी बार एक्सरसाइज या फिर बार एक्सरसाइज। मीन्स जो हम फ्रोजन शोल्डर में स्टिक के साथ जो एक्सरसाइज कराते हैं उसको वेंट एक्सरसाइज बोलते हैं। 83 टॉपिक है कफ मैकेनिज्म। कफ मैकेनिज्म, कफ मैकेनिज्म में आपको क्या करना है, आपको इसको सीरियल वाइज करना है कि कफ कैसे होती है। ठीक है, इसका प्रोसीजर ऑफ कफ, सबसे पहले डीप इंस्पिरेशन आती है, फिर ग्लोटिस क्लोज होता है, वोकल कॉर्ड टाइट हो जाती है, फिर एब्डोमिनल जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, डायफ्राम एलिवेट होता है और इंक्रीज इंट्राथोरेसिक एंड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है, फिर उसके बाद जो ग्लोटिस होता है वो ओपन हो जाता है, और फिफ्थ है एक्सक्लूसिव एक्सप्रेशन ऑफ एयर अकर्स। जब आप ना बुक से पढ़ेंगे ना या गूगल से पढ़ेंगे आपको ना तब ज़्यादा याद होएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप गूगल सर्च कर लो मैकेनिज्म ऑफ कफ, तो आपको यूँ का यूँ पूरा आपको अच्छे से डिटेल में आ जाएगा, और वो डिटेल इतनी अच्छे से आपको याद हो जाएगी जिसकी, जो कि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे ना कंप्यूटर के सामने तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये टॉपिक मैंने किया है। सो गूगल का जो टॉपिक किया होता है ना वो ज़्यादा याद रहता है एज़ कम्पेयर जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और एकदम हम किसी भी टॉपिक को गूगल पे सर्च करते हैं फ़ोन पे, तो जो हमारी माइंड का जो कंसंट्रेशन है ना, फोकस है, वो क्या होता है उस टाइम पे उस टॉपिक पे ही होते हैं, उस टाइम पे डाइवर्जन नहीं होता कभी भी। इसलिए जो गूगल पे जब हम सर्च करके टॉपिक करते हैं वो लंबे समय तक हमें याद हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है 44 डॉम्स की स्पेलिंग देख लेना, डिले ऑनसेट मसल सोरनेस। 45 क्वेश्चन बनेगा आपका डिस्टेंसेबिलिटी, डिस्टेंसेबिलिटी इनकी ना डेफिनेशन देख लेना बस एक बार आप, कि डिस्टेंसेबिलिटी क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, एंडोरेंस क्या होता है, एक्सरसाइज बाउट्स क्या होते हैं, एंड एक्सटेंशन बायस क्या होता है, पावर क्या होती है विद डेफिनेशन। ठीक है, अच्छे से इन टॉपिक को पढ़ना है। देखो एक ही टॉपिक में मैंने कितने सारे, इन पे कई बार क्वेश्चन पावर पे क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन एंडोरेंस, एंडोरेंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको इसकी डेफिनेशन का भी पता होगा ना तभी भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और इसी टॉपिक में करना है वार्म अप टाइम। वार्म अप टाइम ये क्वेश्चन एम्स के 2017 में आया था, वार्म अप टाइम कितना होता है, 8 to 10 वार्म अप टाइम होता है, तो एग्जैक्ट इसमें से दोनों में से एक देख लेना। फिर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, 46 टॉपिक है लंबर स्पाइन में, लंबर स्पाइन पे। लंबर स्पाइन पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो करना है मोशन सेगमेंट। मोशन सेगमेंट कौन कौन से होते हैं, सो वो होते हैं स्पाइन में फैसेट जॉइंट। देखो ये क्वेश्चन बन सकता है
एंड डिस्क्स, ये मोशन सेगमेंट होते हैं। अब करते हैं इसी में टॉपिक में स्पोंडिलोसिस, स्पोंडाइलोसिस, स्पोंडाइलोलिसिस, फोर्थ स्पोंडाइलोलिस्थेसिस, रिट्रोलिस्थेसिस, फैसेट एनोमलीज, फैसेट एनोमलीज। सॉरी, शायद मैं भी कई बार वीडियो बनाते बनाते मुझे यही नहीं पता लगता मैं नीचे जा रही हूँ, सो आप मैनेज कर लेना क्योंकि मैं अभी कच्चा खिलाड़ी हूँ वीडियो बनाने में। हाँ, पर बनाते बनाते मैं पक्का खिलाड़ी बन जाऊँगी। तो फैसेट एनोमलीज में कौन कौन सी होती हैं स्पाइन में? हाफ मून शेप, फ्लैट, एसिमेट्री, एसिमेट्रिक हाफ मून। अब करते हैं, देखो जो हमारी वर्टिब्रा होती है ना उसमें भी एंगल होता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देती हूँ। सॉरी, थोड़ा डायग्राम बनाने में। देखो थोड़ा ठीक ही बन गया, सो एकदम थोड़ा सा ऐसा ही बन पाता है। सो जो ये एंगल बनता है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, सुपीरियर फैसेट एंड इन्फीरियर फैसेट, और ये हमारा ट्रांसफर प्रोसेस होता है और ये स्पाइनस प्रोसेस होता है। अब करना है आपको स्पाइन की रेस्टिंग पोजीशन क्या होती है, रेस्टिंग पोजीशन ऑफ द स्पाइन, रेस्टिंग पोजीशन ऑफ स्पाइन ये होती है मिडवे, मिडवे बिटवीन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। स्पाइन में देखो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है, क्लोज पैक पोजीशन कौन सी होती है स्पाइन में, क्लोज पैक्ड पोजीशन, सो वो होती है एक्सटेंशन पोजीशन वर्टिब्रे। और कैप्सुलर पैटर्न, साइड फ्लेक्शन एंड रोटेशन एंड लिमिटेड एक्सटेंशन। अब करना है आपको आपको डिस्क हर्निएशन या फिर डिस्क बल्ज, ठीक है। तो डिस्क हर्निएशन में देखो आपको ना ये पता होना चाहिए कि हर्निएशन में क्या क्या होता है, प्रोटर्जन होता है, प्रोटर्जन, प्रोलैप्स, एक्सट्रूजन एंड सिकेस्ट्रेशन। देखिए अब प्रोटर्जन का मीन्स है, ये तो हमारा एनुलस पल्पोसस है और ये एनुलर
एनुलस फाइब्रोसिस है, एनुलर फाइब्रोसिस एंड न्यूक्लियस पल्पोसिस। प्रोट्रजन का मीन्स है कि थोड़ा सा बाहर निकलना। प्रोलैप्स का मतलब है ये बाहर भी नहीं निकला होता है, बिल्कुल टच होता है, ठीक है। ये प्रोलैप्स वर्टिबल डिस्क जिसको हम बोलते हैं। एक्सट्रूजन का मतलब है जो हमारा ये जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है ये आउट हो जाना। आजकल डिस्क हर्निएशन के, डिस्क बल्ज के केस बहुत आ रहे हैं, बहुत। मेरे क्लिनिकल में भी कम से कम अभी भी डिस्क बल्ज के, आप यकीन ना मानेंगे तो 35 के अराउंड मैं पेशेंट्स, ये मान लो कि 4-5 महीने में देख चुकी हूँ। सो बहुत ज़्यादा ये केस बढ़ रहे हैं। और अगर देखो, थोड़ी सी गाइड मैं देना चाहती हूँ किसी को ना, अगर अपने क्लिनिक में इस पे अच्छा वर्क करना है तो पेशेंट्स की कमी नहीं है, बस काम करने वाला होना चाहिए, अच्छा काम करने वाला होना चाहिए कि हाँ आप, पेशेंट भी अच्छे से वर्क करने वाला होना चाहिए, उस पे वर्क जरूर करें। सिकेस्ट्रेशन का मतलब है टूट जाना, बिखर जाना, ठीक है। तो जो डिस ये न्यूक्लियस पल्पोसिस है ये बिल्कुल टूट के बाहर आ जाना, सो इसको बोलते हैं हम डिस्क हर्निएशन। अब हम आगे टॉपिक करते हैं सेकमोरल नोड्यूल्स, नेक्स्ट टॉपिक है, एक बार देख लेती हूँ। टॉपिक नंबर 47 SCH सेक मोरल मोरल्स नोड्यूल्स। देखो नोड मीन्स, नोड्यूल्स मीन्स गांठ, ठीक है। किसी भी टाइप की कोई भी गांठ, गांठ तो किसी की भी हो सकती है, जैसे कि टीबी नोड नोड बन जाते हैं, लिम्फ नोड हो जाते हैं, और एडिपोज नोड हो जाते हैं, या फिर कोई भी इन्फ्लामेटरी नोड्यूल्स बन जाता है, गैंग्लियन में सिस्ट बन जाता है, एक गैंग्लियन भी इसी टाइप का होता है थोड़ा सा। सेकमोरल नोड्यूल होता है, डायरेक्ट वर्टिकल प्रेशर ऑन द डिस्क कैन कॉज द डिस्क टू पुश फ्लूइड इनटू द वर्टिबल सेकमोरल नोड्यूल्स आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर करते हैं टॉपिक नंबर 48, हॉल ब्रोक। ये जो हॉल ब्रोक होता है ये किसमें, हॉल ब्रोक लो बैक पेन के लिए अप्रोच। फिर करते हैं 49 टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड पेरिफेरलाइजेशन। देखो शायद ये सबको पता होगा, इस नो डाउट की। सॉरी मेरा बेटा आ गया दिखाने के लिए बिस्कुट। ओके, सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो पेन है, पेन इज मूविंग टूवर्ड और सेंटर्ड इन द लंबर स्पाइन, ठीक है। पैर से जब दर्द हमारे कमर में आता है ये होता है सेंट्रलाइजेशन पेन, और पेरिफेरलाइजेशन का मीन्स होता है पेन बैक से
लेग में जाना, इसको बोलते हैं पेरिफेरलाइजेशन। अब डिस्क वाले जो पेशेंट, काफ़ी सारे डिस्क पेशेंट होते हैं कि मेरे को बस लो बैक पेन ही है, कोई ये कहता है कि नहीं मेरे को मेरा जो पेन है वो ऊपर से नीचे जा रहा है। तो ये डिफरेंस आप देख लेना कि सेंट्रलाइजेशन पेन कौन सा है और पेरिफेरलाइजेशन कौन सा है। तो इनमें दोनों में यही डिफरेंस है। नॉर्मल एंगल ऑफ स्पाइन एंड सेक्रम, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल एंगल एंगल ऑफ स्पाइन एंड सेक्रम, देखो मेरे नोट्स में ना एंगल आपको हर जगह मिलेंगे, जो भी बोन आएगी उसी का ही एंगल मिलेगा। सबसे पहला एंगल है लंबो सेक्रल एंगल, ये होता है 140 डिग्री। लोडोटिक कर्व, ये 50 डिग्री सेक्रल एंगल, 30 डिग्री पेल्विस एंगल, 30 डिग्री। देखो जब 51 टॉपिक है, जब स्पाइनस प्रोसेस प्रोटोजन कॉज्ड बाय स्टेप डिफॉर्मिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो दो हजार इक्कीस में एम्स में, एम्स 2021 ये वाला क्वेश्चन आया था। देखो ये डायग्राम बना लेना साथ के साथ, या मेरे इस नोट्स में से ही देख के बना लेना, अगर बुक में ना देखो ये आपने सबने बनाया होगा अपने टाइम पे बैचलर डिग्री में, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ये सिर्फ पोजीशन पूछेंगे इसकी, एपी गैस्ट्रियम, सिर्फ आपको नाम याद करने हैं कि यहाँ पे कौन सा है, हाइपोकोंड्रियम फ्लैंक अम्ब्लाइकल, ये सबको पता होगा, ये है इंग्वेनल, आप जरूर करके जाना, ये क्वेश्चन आया था, एक बार पढ़ लेना, रिपीट होने में कभी देखो जरूर पता नहीं लगेगा कि रिपीट कैसे हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि पहले भी एग्जाम हुए हैं उनके भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ये नहीं है कि आ ही सकते हैं, पर ये है कि जो आया हुआ है उसको तो आप अच्छे से कर ही लो। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, 53 क्वेश्चन, SLR डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। तो जो स्ट्रेस ऑन SI ज्वाइंट, तो वो कितने में जाता है, 0 to 70 डिग्री में। एक टॉपिक बनता है हमारा क्वाड्रीप्लीजिया एंड पैरा प्लीजिया। क्वाड्रीप्लीजिया अपर T1 से इंजरी होती है, और ये पैराप्लीजिया लोअर T1 से होती है। अब करते हैं, देखो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स तो आप सबने देखा ही होगा, एनाटॉमी की क्लास में सबको पता होगा एनाटॉमिक
स्नफ बॉक्स. सो वो विच मसल इन्वॉल्व एनाटॉमिक स्नफ बॉक्स. सो कौन कौन सी मसल हैं वो? अबडक्टर, पॉलिसिस, लॉन्गस, एक्सटेंसर, पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंशन, पॉलिसिस लॉन्गस. अब करते हैं पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस. पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस, ये क्वेश्चन एम्स 2021 में आया था और आया था चैडोक. तो पहला रिफ्लेक्स है बेबिंस्की, जो सबको पता है, ठीक है, टेस्ट करते भी हैं. टो एक्सटेंडेड एंड फिंगर फार अवे. सेकंड है चैडोक, जो लेटरल साइड पे हम स्टिमुलस देते हैं, तो जो हमारा टो है ये क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है. थर्ड है ओपनिम, इसमें हम जो हमारी मसल है, काफ मसल है लेटरल साइड की, लेटरल साइड में ना सॉरी लेटरल नहीं मीडियल साइड पे हम स्टिमुलस देंगे, तो टो एक्सटेंड हो जाएंगे और फिंगर फ्लेक्स हो जाएगी. फोर्थ है गार्डन, इसमें टो एक्सटेंड और फिंगर फ्लेक्स हो जाएगी. ये आप कर लेना, एक बार जरूर रीड कर लेना अच्छे से. आगे चलते हैं. देखो अबाउट 5 PS तो पता ही होंगे शायद, 5 P, पेन, पेलर, पैरेस्थीजिया, पल्सलेसनेस एंड पैरालिसिस. सो ये लिख कर लेना. अच्छा आपको एक और डिफॉर्मिटी बताती हूँ मैं, मेड लंग डिफॉर्मिटी. किसी किसी को पता होता है इस डिफॉर्मिटी का, मेड लंग डिफॉर्मिटी. अगर जिसको पता नहीं है ना, तो वो ना लंग्स की ही ये डिफॉर्मिटी लगा के आएगा, बट ये लंग्स की कोई डिफॉर्मिटी नहीं होती है, ठीक है. मेड लंग डिफॉर्मिटी में जो ये हमारी अल्नर ड्रिफ्ट, जो हाफ डिस्टल अल्ना होती है ना, हाफ डिस्टल रीजन ऑफ अल्ना, तो जो इसका मैं ना आपको बस बता देती हूँ इसमें क्या होता है. जो हमारी रेडियस और अल्ना बोन होती है ना, ये हमारी क्या होगी, रेडियस, और ये होगी हमारी अल्ना. अल्ना होगी लेटरल साइड और रेडियस होगी मीडियल साइड, थंब की साइड, और ये लिटिल फिंगर की साइड. सो इससे ये जो बोन है ना, अल्नर बोन है, ये ना हमारे गन्ने की शेप में बन जाती है, ऐसे जैसे कि शुगर केन होता है ना, ऐसे ये हमारा गन्ना है, ठीक है, आप ये मान लीजिए. बस मैं, मेरे को इसका कंसेप्ट ही पता है. ये जो गन्ने टाइप में हम जब इसको बेंड करेंगे, तो ये इस तरीके से बेंट हो जाएगा, टूटेगा भी नहीं और बेंट भी हो जाएगा, और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाएगा. तो हमारी जो अल्ना बोन है वो भी ऐसे ही बो फॉर्म में आ जाएगी, जैसे हमारी लेग बो हो जाती है ना, बो लेग, ऐसे ही अल्ना बोन डिस्टल रीजन पे बो टाइप में हो जाएगी, वो होती है मेड लंग डिफॉर्मिटी. और आप अपना गूगल सर्च कर लेना, मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है इसके बारे में. देखो ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं हो सकती, मैं भी गलत हो सकती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है. और अगर लगे कि मैं कुछ गलत बता रही हूँ, आप उसको रीचेक कर लो. बस कन्फ्यूज़न हो रही है, मेरे से भी कन्फ्यूज़न हो रही है. मेरा तो मेन पर्पज़ है कि मैं आपको टॉपिक्स दे रही हूँ कि आपको ये टॉपिक्स करने ही करने हैं,
अब करते हैं सीपीआर। सीपीआर में कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, इसमें मूवमेंट देख लेना, 30:2, 15 पे 15 चेस्ट एक्सपेंशन इंटू 1 माउथ ब्रीद, ऐसा ही इसमें होता है। ठीक है, तो 30 पे 2 माउथ ब्रीद हम देते हैं 2 टाइम्स। अब करना है, फिफ्टी9 क्वेश्चन है, 9.9 पॉइंट बिक्टन। सो ये 9 पॉइंट जो ये स्कोर है, स्केल है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये हमारा हाइपर मोबिलिटी स्कोर के लिए यूज किया जाता है। सॉरी सॉरी, तो इसमें 9 स्कोर होते हैं। ठीक है, और इसका आप ना प्रिंट निकाल लेना, जितने भी स्केल है ना, स्केल के सब के प्रिंट निकाल लेना, और अच्छे से याद हो जाएंगे। उनके और भी नेम हो सकते हैं, ठीक है, कितने पे पॉजिटिव, कितने पॉइंट पे पॉजिटिव होता है और कितने में नेगेटिव होता है, या पूरे देख लेना। ठीक है, और जब 1 से 4 पॉइंट हो जाते हैं तब ये हाइपर मोबिलिटी में शुरू हो जाती है। आज तो मेरा बेटा, लास्ट टॉपिक करते हैं, डर्मेटोम एंड एंड मायोटोम। मायोटोम जरूर करके जाना हर एग्जाम में, चाहे वो ESI का है, PGI रोहतक है, हेलो एम्स दिल्ली है, झज्जर है, एम्स ऋषिकेश है, 2 क्वेश्चन इन दोनों में से जरूर आएंगे। या तो डायरेक्ट डर्मेटोम आपसे आपसे पूछा जाएगा, या मायोटोम पूछा जाएगा। डायरेक्ट नहीं पूछेंगे तो मसल पूछेंगे, मसल भी नहीं पूछेंगे तो उसका एरिया पूछेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छे से रीड करके जाना है। आज अब तक मैंने 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं। 2 दिन बाद मैं एक वीडियो और डालूंगी, उसमें नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो डाल दूंगी। आप कंटिन्यू अपनी, जब भी टाइम मिले सारी वीडियोस को आप देखें, और अपने अच्छे से टॉपिक्स को प्रिपेयर करें, जितना पढ़ें उतना अच्छा पढ़ें। सो आज इतना ही, और जो और वीडियोस हैं उनको लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि आप अगर मुझे सब्सक्राइब और लाइक व्यू कमेंट्स, आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम पर्पज से, एग्ज़ाम से रिलेटेड, CBT एग्ज़ाम। हाँ, आज मैं आपको एक और बात बता रही हूँ, देखो CBT एग्ज़ाम जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम देना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में भी आना चाहिए, कि वो कुछ MCQ कंप्यूटर पे करके देखें, सॉल्व MCQ, जो इसे मॉक टेस्ट होते हैं ना, ऐसे ही कंप्यूटर पर बैठ के, लैपटॉप पर बैठ के क्वेश्चन मॉक टेस्ट जरूर करें। उससे क्या होगी, आपको ना एक तो हैबिट हो जाएगी, और दूसरा हैबिट हो जाएगी, आपको कंप्यूटर चलाना आ जाएगा। एकदम जब आप अपने एग्जाम में बैठेंगे तो आपको इतना ऑकवर्ड सा फील नहीं होगा कि पता नहीं मैं किस टाइप का एग्जाम दे रहा हूँ। वैसे तो ऑलमोस्ट सबको ही आता होगा कंप्यूटर चलाना, पर जिसको नहीं आता है, जिसको नहीं, थोड़ा सा कम नॉलेज है, वो देख लें। दूसरा GK का क्वेश्चन बनता है आज, G20 सम्मेलन, ये शायद सबको पता होगा। G20 सम्मेलन की अब की बार अध्यक्षता 2023 में भारत करने वाला है। ठीक है, और इस भारत देश, मेरा देश महान, ठीक है, बहुत अच्छा देश है। इस भारत देश में ये बहुत बड़ी बात है कि G20 सम्मेलन, सारी कंट्रीज के जितने भी यूनियन संघ, और 19 देश, एक 19 कंट्री और प्लस में 1 यूनियन संघ यूरोप,
ये इनकी बैठक होती है। इस बैठक में सारी बातें की जाती हैं, हर डेवलपमेंट के बारे में, जीडीपी के बारे में, कंट्री के ग्लोबल वार्मिंग जो भी इश्यूज होते हैं, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनके बारे में बात की जाती है। ठीक है, कंट्री का आपस में लेन देन होता है, जैसे कि पैसे का लेन देन नहीं, यहाँ पे नॉलेज का लेन देन होता है कि एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन बन सकता है कि G20 2023 में की अध्यक्षता कौन करने वाला है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा भारत। और भारत ने इस अध्यक्षता G20 सम्मेलन की थीम क्या रखी है, देखो कितनी अच्छी थीम रखी है, वन अर्थ वन फैमिली। वैसे ये शुरू में है, वन फैमिली वन अर्थ और वन फ्यूचर। ठीक है, तो इसकी थीम ये रहने वाली है। और थोड़ा सा गूगल पे और सर्च कर लोगे तो आपको और अच्छी सी अपडेट मिल जाएगी इसके बारे में। तो ये जीके का क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लेना। दूसरा जीके का क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप जगदीप धनखड़ धनकर। प्राइम मिनिस्टर पता है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो गए हैं, और स्पीकर लोकसभा की स्पीकर ओम बिरला जी हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट नरेन रुको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ हो गए हैं, डी वाई चंद्रचूड़, बैंक मैनेजर शक्तिकांत दास, ये एम्स 2021 में आया था, शक्तिकांत दास। और फर्स्ट देखो क्वेश्चन, फर्स्ट आदिवासी प्राइम मिनिस्टर को, सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट कौन बनी है, भारत की पहली आदिवासी प्रेसिडेंट है, श्री द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये तो पता है कि प्रेसिडेंट कौन है द्रौपदी मुर्मू, पर ये नहीं पता होगा कि वो फर्स्ट आदिवासी प्रेसिडेंट है। अभी इन क्वेश्चंस के साथ मैं इस क्लास को एंड करना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छे से सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ अच्छी होगी तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी ही होगी। थैंक यू सो मच।